विरोध बहुत ज्यादा नहीं है, हमें बहुत सहयोग मिल रहा है पब्लिक का, व्यापार मंडल का भी, लेकिन कहीं कहीं कुछ दिक्कतें आ रही, कुछ लोग दिक्कत पैदा कर रहे हैं, इसके ऊपर जुर्माना वगैरह किया जा रहा है। इसके अलावा साथ ही साथ जो पटरी दुकानदार हैं और जो सब्जी फल विक्रेता हैं उनके लिए व्यवस्था करना हमने शुरू कर दिया है। आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ और ईओ साहब के साथ मैंने पूरे शहर का भ्रमण किया है, तीन जगहें चिन्हित की हैं जहाँ पर एक फल मंडी विकसित की जा सकती है, एक वेंडिंग जोन बनाया जा सकता है। तो उस वेंडिंग जोन के लिए एक सिविल लाइन का जो चौराहा है उसकी सामने जो पुल है उस पुल के नीचे की जगह चिन्हित की गई है, आज वहाँ पर बता भी दिया गया है। नगर पालिका से उसका पूरा नक्शा बना के ड्राइंग बना के प्रॉपर वहाँ पर दुकानें एक तरीके से डेवलप की जाएंगी और वहाँ पर ही उनको अलॉटमेंट करके लीगलाइज किया जाएगा। और आप लोगों से ये अपील है कि अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जरूर लोगों में ये जागरूकता लाएँ, वहीं पर फल मार्केट या सब्जी मंडी लगेगी, इसके अलावा जो अन्य जगहें चिन्हित की जाएंगी तो वहाँ पर ही जाएँ ताकि शहर में थोड़ी सी व्यवस्था बनी रहे। एक छोटी सी सुविधा के लिए कि हम सड़क पर खड़े होकर कुछ खरीद लें, उसकी वजह से शहर में अस्तव्यस्तता ना रहे। आज ही हमने ड्राइंग बनाने बोल दिया, मुझे लगता है 8 से 10 दिन में दुकानें अलॉट हो जाएंगी। जब तक दुकानें अलॉट नहीं हो रही तब तक हमने बता दिया है वो बिना अलॉटमेंट के भी वहाँ पर खड़े कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं।